આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આપમાં જોડાયેલા નિકિતા રાવલને લઈને આ વિવાદ સર્જાયો છે। પરેશ રાવલની ભત્રીજી હોવાનો નિકિતાએ દાવો કર્યો છે। જ્યારે નિકિતાના નિવેદન બાદ પરેશ રાવલનો વળતો જવાબ, પરેશ રાવલનું નિવેદન જે સામે આવ્યું છે, મારી ભત્રીજીનું નામ નિકિતા નથી। આપમાં જોડાયાના પહેલા જ દિવસે નિકિતા રાવલને લઈને આ વિવાદ સર્જાયો છે। નિકિતા રાવલ જે આપમાં જોડાયા અને તે સમયે દાવો કર્યો કે પોતે પરેશ રાવલ અભિનેતા, તેમની ભત્રીજી છે, પરંતુ અભિનેતા પરેશ રાવલ નેતા છે ભાજપ, તેમણે તેનો જવાબ આપ્યો છે મારી ભત્રીજીનું નામ નિકિતા નથી, ઓળખવાથી પણ તેમણે ઇનકાર કર્યો છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર, સૌથી મોટું એક જૂઠાણું કહી શકાય। નેતા બન્યાના પહેલા દિવસનું આ જૂઠાણું, આપમાં જોડાયેલા નિકિતા રાવલને લઈને આ મોટો વિવાદ સર્જાયો છે। પરિવાર સે ઉનકી ભતીજી હે, ઉનકી ભતીજી હે, ઉનકી ભતીજી હે और आज वो भी आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर जिनको स्पोक्स पर्सन के तौर पर गुजरात राज्य में उनको आम आदमी पार्टी नियुक्त करती है, उनका भी आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा तो आम आदमी पार्टी जूठाना साथे शुरुआत केम करी, अनेक सड़कता सवाल। जो परेश रावल साथे कोई संबंध ज नथी तो पछी नाम केम लीधु? शु निकिता रावले आम आदमी पार्टी ने संबंध विषय जाण करी अने त्यारबाद शु आपमां जोडाया? परेश रावलનું નામ લેવા પાછળની મંશા શું હતી? શું પરેશ રાવલનું નામ જાણી જોઈને લેવામાં આવ્યું છે? જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીને લઈને આ સૌથી મોટા સવાલ હાલ જે સર્જાઈ રહ્યા છે, જો પરેશ રાવલ સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી તો પછી નામ કેમ લેવામાં આવ્યું? तुली बेनर्जी आप नेता छे ते अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया छे। आपनुं स्वागत छे मंतव्य न्यूज़मां। आम आदमी पार्टी में निकिता रावल जोड़ाया छे, परंतु जे दावो कर्यो के पोते परेश रावलना भत्रीजी छे, परंतु भाजप नेताए तेमने ओळखवानुं पण इनकार करी दीधो। नेता बन्याना पहला दिवसे जूठाणुं आ प्रकारनुं, शुं कहेशो? अभी वो भले इनकार करे भत्रीजी होने से, लेकिन निकिता रावल कहती है कि ये मेरे रिलेटिव है। जो आपके रिलेटिव है वो बता रहे हैं, परंतु परेश रावल का भी जो निवेदन सामने आया है उन्होंने पहचान से भी मना कर दिया है। अभी शायद ये पॉलिटिकल हो सकता है कि वो बीजेपी के हैं और हम आम आदमी पार्टी से हैं। तुलबेन आपने पूछवा मांगीश, परेश रावल साथे संबंध नहीं तो पछी नाम लेवा पाछळनुं कारण शुं? मंशा शुं? नाम केम लीधुं आखरे? अभी सर अगर कोई रिलेशन पर होने से इनकार करता है उसका मतलब ये तो नहीं कि रिलेशनशिप है नहीं। शु आम आदमी पार्टी शु जाण थी कोईने प्रवक्ता ने? कारण के जारे तेमनुं स्वागत करवामां आवी रह्युं छे, जे वीडियो पण छे तो तेमनुं स्वागत ए प्रकारे करवामां आवी रह्युं छे, कहेवामां आवी रह्युं छे परेश रावलना भत्रीजी छे निकिता रावल, ते आ पार्टी साथे जोड़े। शु पार्टीना अन्य सदस्यो छे तेमने आ बाबते पहेला जाण हती? बिल्कुल, हम सबको पता था। निकिता रावल जी ने खुद भी हमें बताया था और हम सबको पता था कि वो बीजेपी के परेश रावल जी के भतीजी हैं। परंतु हवे आ प्रकारनुं निवेदन जे सामे आव्युं छे, परेश रावले तो भत्रीजो होવાનો જે દાવો કર્યો હતો નિકિતા બહેને, પરંતુ તેમણે ઓળખવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે। શું હવે પગલાં લેશો? કયા પ્રકારની મંશા હતી? શું કહ્યું હતું નિકિતા બહેને? આપની કોઈ વાતચીત થઈ હતી આ બાબતે? કોઈ જી નહીં। अभी अगर कोई इनकार करता है, अगर ब्लड रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई इनकार करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे तो काफी चीजें बाहर आती हैं कि कोई किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं कि हम किसी की वाइफ है, किसी के बेटे हैं, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो उसमें फिर लीगल तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चौक्कसथी, परंतु तुलबेन आपने ए पण कहेवा मांगीश, हजू गोपाल इटालिया पण आजे अध्यक्ष बन्या छे, मोटी जवाबदारी सोंपवामां आवी छे। आगामी समयमां आप पार्टी पण गुजरातमां प्रवेशी रही छे, आगामी समयमां गुजरातमां पण चूंटणी आवी रही छे, परंतु आ तमामनी वच्चे आ एक जूठाणुं छे, क्यांक आ मंशा छे, लोको उपर पण तेनी क्यांक असर थशे। आप मानो छो आ बाबतने लई? कई मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई असर होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड ऐसे इश्यूज तो आते ही रहते हैं। आप कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्री से ले लीजिए, बॉलीवुड से, तो उसमें पॉलिटिकली कोई हमारी पार्टी को तकलीफ हो ऐसा कोई इश्यू होगा मुझे नहीं लगता है। तमारे निकिता बेन रावल साथे तमारे कोई बातचीत थी संबंधित? परेश रावल जोड़े संबंध ज नहीं तो चौक्स थी। तुलीबेन आप जोड़ायेला रहो लाइन पर। अभिनेता भाजप नेता परेश रावल छे ते पण अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया छे। आ समये आपनुं स्वागत छे मंतव्य न्यूज में। आ जे प्रकारनो दावो करवामां आव्यो छे परेश सर, निकिता रावल आपना भतरीजी गणावी रह्या छे, शुं आप ओळखो छो तेमने? भाई हूँ ओळखतो नथी, मारी आवी कोई भतरीजी छे नहीं, आ कोई बीजी त्रीजी हशे, भतरीजी नथी। परेश भाई आपने आ बाबते क्यारे जाण थई? शू नाम लेवा पाछळ कोई पॉलिटिकली मंशा हशे? आप क्या प्रकारे जोई रह्या छो कि आपनुं नाम ज आखरे केम लीधुं? पॉलिटिकली जोईने बीजुं शुं आनी अंदर रावल रावल सरनेम छे एटले ए जो, बाकी हूँ तो जेन्युइनली ओळखतो नथी। अने जो हूँ तो अत्यारे एटलुं कहेवा मांगु छुं के कदाच हूँ तो ओळखतो नथी एटले मारा सगमां दूरनुं कोई ए कोई पण प्रकारे जो छेडो अडाडे तो मारे ये कहूं कि जो कदाच मारी धारी लो के मारी भतरीजी होय अने हवे आपमां जोड़ाई छे तो ये आजथी मारी भतरीजी नथी। जी जी चोक्कस। परेश सर अमारी साथे आपना प्रवक्ता छे, आपना नेता छे तुलीबेन, ते पण जोड़ायेला छे अमारी साथे फोन लाइन पर, ते पण के कहेवा मांगे छे आ बाबते? तुलीबेन हाँ जी बिल्कुल। अभी सर ये तो ऐसा है कि एक घर पे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हस्बैंड अलग पार्टी को वोट देता है, वाइफ अलग पार्टी को वोट देती है, उसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। कहाँ से आती है? जब शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म होने की बात क्या है? ही नहीं कोई रिलेशन। मैं समझ सकता हूँ एक अलग पार्टी में, एक अलग पार्टी में होते हैं, लेकिन मेरा नाम यूज करना इस तरह से ये गलत बात है। मैं ये कहता हूँ सीधे सीधे चले जाते हैं। माने आप जो आपकी जो पार्टी जो बिल्कुल झूठ फैला रही है उसके अंदर आप जो मेरे नाम का यूज कर रहे हो मुझे सख्त ऐतराज है उसके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये, और जिस तरह की घड़ी उन्होंने पहनी है, जिस तरह के गहने उन्होंने पहने, मेरी भतीजी के पास इतना पैसा ही नहीं है। अगर मेरी कोई भतीजी होती तो, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मुझे पता है। जी परेश रावल जी आ एक राजकीय लाभ लेवा माटे आ प्रकारनुं एक जूठाणुं आ एक मनसा कही शकशो? बीजो कई नथी भाई। अने हुं एक वात अत्यारे कहेवा मांगु छुं के अमारुं आखुं कुटुंब के अमारो आखो परिवार, तमे एम समजी लो अमारुं गोत्र भाजप छे अने अमारो इष्टदेव नरेंद्र मोदी छे, बस। जी चोक्कस। आपे मंतव्य न्यूज साथे जे वातचीत करी ते बदल आभार आपनो। चोक्कस तुलीबेन आपे भी बातचीत करी मंतव्य न्यूज साथे ते बदल आभार आपनो। तो आपना जोड़ायाना पहला दिवसे आ विवाद सामे आव्यो अने आप नेता छे तेमनी साथे पण बातचीत करी। तुलीबेन फरीथी फोन लाइन पर जोड़ाया छे। तुलीबेन हवे आ क्यांक परेश रावले पण फोन लाइन पर जे बातचीत करी तेमनुं जे निवेदन आव्युं के तेओ कोईपण प्रकारे ओळखता नथी, मात्र राजकीय लाभ लेवा माटे आ प्रकारनुं निवेदन, आ प्रकारनी मनसा, हवे शुं आ पगलां लेशो? शुं पार्टीमां आज प्रकार अन्य कोई सभ्यों ने शू हवे कोई पगला लेशो? आप आपका आवाज कट रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलेंगे? हेलो हेलो जी जी तुलीबेन जी निवेदन आप जी आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी तुलीबेन जो परेश भाई ने स्पष्ट मना कर रहे हैं कि वो भतीजी नहीं है, दूर दूर तक भतीजी नहीं है उनकी कोई, वो मना कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल। जब हमसे हमने जब बात की थी कि वो भतीजी है तो हमसे ही बताया गया था कि बिल्कुल पर हमें कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि अमिताभ बच्चन की भतीजी बना के हमने बताया है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है जो सच नहीं है तो हम बिल्कुल इसका चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, पूछने का। आपने किस सोच से आप पार्टी में उनको जगा दी? परेश रावल की भतीजी है इसलिए जगा दी थी, ये बात पहले आपको कोई बताई थी पार्टी में इसलिए आपने पार्टी में जगा दी थी? जगह तो इसलिए ली दी थी कि उसको हमसे जुड़ना चाहती थी और काफी टाइम से वो सोशल वर्क कर रही है। हमारी पार्टी में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग या तो शिक्षित हैं या तो फिर सोशल वर्क रिलेटेड हैं। तो ये निकिता जी काफी सालों से एक एनजीओ चलाती हैं जिसमें एचआईवी के जो बच्चे होते हैं, एचआईवी पॉजिटिव, उनके लिए काफी अच्छा काम करते हैं। तो हम जब वो खुद आए कि मुझे आपके पार्टी से जुड़ना है तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है तो फिर इंसान करप्ट नहीं होता है, हमें पता है, तो उस इंसान का हम हमेशा स्वागत करते हैं पार्टी में। जी तुलबेन, ये निकिता रावल ने आपको बताया था कि वो परेश रावल को पहचानती है और एक सबसे बड़ा सवाल वो भी हो रहा है, अगर कोई भी आता है, कोई भी सदस्य, कोई नेता आता है, वो बोलता है मैं इसको पहचानता हूं, तो आप पार्टी में उसको रख लोगे? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसमें मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि परेश रावल जी की भतीजी है इसीलिए हमने रखा है। अगर वैसा ही होता तो हम सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ढूंढते और कहते कि उनकी कौन सी भतीजी है, उनकी कौन से दूर के रिश्ते के कौन है, हम उन्हीं को लेके आते पार्टी में। ये तो बिल्कुल नहीं है। ये जुड़ना चाहते थे और सेलिब्रिटी है और मतलब हमें जो पता था कि ये परेश रावल की भतीजी है इसीलिए उसका वो यूज किया गया है। जितना उनके बारे में हमने बायो शेयर किया है उसके अंदर हमने ये भी शेयर किया। अब उनको पार्टी में आप रखोगे? पार्टी के द्वारा आपको एक्शन लिया जाएगा? उसके लिए मुझे एक बार पार्टी स्टेट हेड हम सब एक मीटिंग करेंगे, बिल्कुल हम उसको डिस्कस करेंगे और अगर आप मुझे एक दिन का मौका दें तो उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। जी आभार, आपने बातचीत की मंतव्य न्यूज के साथ। तो आपना नेता હતા તેમણે પણ ફોન લાઈન પર વાતચીત કરી અને નેતા ભાજપ નેતા પરેશ રાવલ છે તેમની સાથે પણ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી મંતવ્ય ન્યૂઝે। તેમણે જણાવ્યું અમારું ગોત્ર ભાજપ અને ઇષ્ટદેવ નરેન્દ્ર મોદી જે છે અને કોઈ પણ પ્રકારે તેઓ નિકિતા રાવલના કોઈ તેમની ભત્રીજી નથી ઓળખવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે। જણાવ્યું હું નિકિતાને ઓળખતો નથી। પરેશ રાવલનું આ નિવેદન મંતવ્ય ન્યૂઝે પણ આ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી અને જણાવ્યું આ પાર્ટી ઉપર પ્રહાર કર્યા। આ સૌથી મોટું એક જૂઠાણું ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે। તેઓ તેમની ભત્રીજીને જ ઓળખે છે। સાથે જ કહ્યું કે જે પ્રકારના निकिता रावल पास क्या घरेणा ने ते प्रकारे तेमनी ते जोवामां आवी रह्युं छे। तेमना भत्रीजी छे ते पण आटला पैसावाळा के धनवान नथी। परेश रावले पण प्रहार कर्यो छे ते कोई पण प्रकारे निकिता रावल ने नथी ओळखता अने आप पार्टी जूठाणुं फैलावी रही छे।